फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू कुलचे की रेसिपी। ढाबा स्टाइल खाना जब घर पर ही मिल जाए तो फिर बात ही क्या है। तो मैं कुलचे को तंदूर की जगह तवे पर बनाऊंगी, वो भी बहुत आसान तरीके से। तो वीडियो आप लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो चलिए आज की मज़ेदार रेसिपी शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो के नीचे एक लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और साथ में ही एक बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी रेसिपी मैं बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 कटोरी मैदा ले लिया है, और इसको मैं ऐसे साइड कर लूँगी और बीच में एक ऐसे करूँगी ताकि जो भी हम इंग्रेडिएंट डालें ना इसके सेंटर में डालें। तो यहाँ पे एक सेंटर बना लेंगे हम लोग। और अब मैं यहाँ पे ये 4 बड़े चम्मच दही लिया है, ये मेरा घर का जमा हुआ दही है। तो यहाँ पर मैं ये दही डाल दूँगी। अब यहाँ पर मैं 1/2 छोटी चम्मच बेकिंग सोडा ये डाल दूँगी दही के ऊपर, और साथ में ही 1/2 छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर इसको भी डाल दूंगी। और अब हम इन दोनों को अच्छे से दही के साथ मिक्स कर लेंगे। तो जब बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा दही के साथ मिलेगा ना तो ये बहुत अच्छे से एक्टिवेट हो जाता है। ये देखिए दही कितनी फूल गई है और कितने अच्छे से एक्टिवेट हो गए हैं ये दोनों। अब यहाँ पर मैं 1/2 छोटी चम्मच नमक डालूँगी, साथ में ही 1/2 छोटी चम्मच चीनी डाल देंगे। अब इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, नमक, चीनी और यहाँ पे जो ये ड्राई मैदा है इस सब को मिक्स करना है। और अब यहाँ पे मैं 2 चम्मच कुकिंग ऑयल ये डाल दूँगी। ये सब डालने से ना हमारे कुलचे बहुत सॉफ्ट बनते हैं। बस अब इन सब को हमें अच्छे से मिक्स करना है। आप जैसे कंफर्टेबल हैं वैसे यहाँ पे आपको एक सॉफ्ट नरम डो बनाना है। तो बस इसमें हल्का हल्का पानी डालते हुए मैं इसको एक आटे के फॉर्म में, जैसे हम पूरी पराठे के लिए आटा गूंथते हैं ना, सेम उसी प्रकार से मैं इसका डो तैयार कर लेती हूँ। तो यहाँ पे ये डो बनके तैयार है। इतना ही सॉफ्ट डो हमको बनाना था। तो अब इसमें मैं थोड़ा सा तेल लगा दूँगी चारों तरफ डो में, और इसे अच्छे से 3 से 4 घंटे के लिए इसे फर्मेंट होने के लिए रख देंगे कवर लगा के। वैसे तो इसमें बेकिंग पाउडर और सोडा डाला है, 1 घंटे में भी ये हो जाएगा। गर्मियों में थोड़ा जल्दी हो जाता है, विंटर में थोड़ा आपको टाइम लगेगा। तो बस मैं इसे सेट होने के लिए रख देती हूँ। तो चेक कर लेते हैं, 2 से 3 घंटे हो गए हैं। गर्मियों में थोड़ा टाइम कम लगता है, अगर आप विंटर में बना रहे हैं तो आपको 2 से 3 घंटे से ज़्यादा लग सकता है आटे को सेट करने में। तो ये देखिए कितना स्मूथ क्रीमी टेक्सचर का ये हमारा आटा बन गया है। ये देखिए इसको एक बार और हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए इसको अब क्या करना है, हमको पटकना है। तो या तो आप इसी बर्तन में पटक सकते हैं, या आप किचन की जो ये सरफेस है आप इसमें पटक सकते हैं आटे को, या आप ये जिसमें रोटी हम बनाते हैं ना चकले में, इसमें आपको इस प्रकार से करना है। आपको 8 से 10 बार कम से कम इसको इस तरीके से पटकना है, क्योंकि जो मैदा है ना इसमें ग्लूटेन होता है। तो ऐसे करने से इसका ग्लूटेन एक्टिवेट हो जाता है और हमारे जो कुलचे हैं वो बहुत नर्म मुलायम बन के तैयार होते हैं। तो इसको मैं ऐसे 8 से 10 बार इसको पटक लेती हूँ। अब हम लोग इसका आलू के लिए इसकी स्टफिंग बना लेते हैं। आटा तो तैयार हो चुका है। यहाँ पे मैंने 5-6 आलू को बॉईल करके ठंडा कर लिया है और ग्रेट कर लिया है। तो अब मैं इसमें कुछ मसाले डालूंगी। सबसे पहले हल्दी पाउडर डालूंगी, और थोड़ा सा मैं यहाँ पे अजवाइन डाल रही हूँ। ये टोटली ऑप्शनल है क्योंकि ये मैदे का है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा अजवाइन डाल रही हूँ ताकि ये डाइजेस्ट के लिए आराम हो जाए। और अब मैं यहाँ पे थोड़े से मसाले डालूंगी। 1 चम्मच ही मैंने धनिया पाउडर डाला है, और 1 चम्मच मैंने यहाँ पे जीरा पाउडर डाला है। और अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा हरा धनिया डालूंगी, और थोड़ी सी मैं यहाँ पे 2 मैंने हरी मिर्च ली है, इसे मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है, इसको डाल दूंगी। और यहाँ पे मैंने 1 चम्मच जो धनिया होता है उसे मैंने क्रश कर लिया है, मतलब महीन नहीं किया, सिर्फ 1 से 2 टुकड़े किए हैं। ये डाल देंगे ना बहुत अच्छा टेस्ट आता है इससे, बिल्कुल ये मार्केट जैसे कुलचे लगते हैं। आपने कभी अगर मार्केट में खाया होगा तो आपने देखा होगा बीच बीच में बाइट्स में आते हैं। अब मैंने यहाँ पे 1 चम्मच कसूरी मेथी, इसको मैंने क्रश कर लिया है हाथों से, इसको डाल देंगे। और 1 चम्मच मैं यहाँ पे डाल रही हूँ चाट मसाला। अगर आपके पास चाट मसाला नहीं है तो इसकी जगह पे आप आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। तो ये मैंने डाल दिए हैं सारे मसाले। अब मैं यहाँ पे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालूंगी, तो जितना आपको नमक डालना है आप उतना नमक यहाँ पे डाल सकते हैं। बस अब इन मसालों को हम बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। साथ आप चाहें तो यहाँ पे 1 अनियन भी डाल सकते हैं, मैं आज अनियन नहीं डाल रही हूँ। यहाँ पे आप एक बारीक बारीक प्याज काट सकते हैं,
उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है प्याज डाल के। मैं इन सब मसालों को अभी अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने सारे मसालों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम लोग बनाते हैं फटाफट से कुलचे। स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे ये एक डो ले लिया है इस तरीके से, तो इस डो को मैं यहाँ पे चकले में अच्छे से बेल लूंगी। अब आपको साइज कितना बड़ा रखना है आप उस हिसाब से यहाँ पे इसको बेल सकते हैं। तो मैं इसे अच्छे से पहले बेल देती हूँ। इतना बेल लिया है और इसके ऊपर मैं अब जो ये हमने फिलिंग बना के रखी थी इस फिलिंग को यहाँ पे भर लेंगे। अब आपको यहाँ पे फिलिंग कितनी कम ज्यादा रखनी है आप उस हिसाब से रख सकते हैं। अब हम लोग जैसे आलू के पराठे बनाते हैं ना, उसी प्रकार से हमें इसे अच्छे से सील करना है ताकि ये जो है मिक्सचर निकले ना। बहुत अच्छे से हम इसे रोल करके इसे सील कर लेंगे इस तरीके से, दबा दबा के इस तरीके से। ये देखिए, अब थोड़ा सा इसे हम हाथों से ऐसे करेंगे ताकि जो ये फिलिंग है ना वो सब जगह अच्छे से चली जाए। ये देखिए, ऐसे करने से अगर हम सीधा बेलन लगा देंगे तो क्या होता है, फिलिंग हमारी एक जगह पे इकट्ठी हो जाती है। तो इस तरीके से थोड़ा सा हम इसको फैला लेंगे फिंगर की सहायता से। अब मैं इसको बेल लेती हूँ। अब गोल बनाने हैं आपको नान या आपको लंबे बनाने हैं वो आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। इस प्रकार से हम बेल लेते हैं। तो यहाँ पे ये मैंने बेल लिया है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे मैं इसमें थोड़े से ये कलौंजी जो है इसे इसको डाल दूंगी और एक बार बेलन से इसको प्रेस कर देंगे ताकि जो ये कलौंजी है ना इसके ऊपर चिपक जाए। या तो आप शुरू में जब आप बेलते हैं उस टाइम पे भी लगा सकते हैं, लेकिन उस टाइम पे थोड़ा सा फिर क्या होता है फटने के चांसेस रहते हैं, ये हमारा फट सकता है। तो बस ये धनिया पत्ती को भी हम लोग इसको ऐसे करके दबा देंगे अच्छे से एक बार। अब क्या करना है, ये बात ध्यान रखनी है कि ये वाला पोर्शन जो है ऊपर रहेगा और इसके नीचे वाले साइड पे मैं यहाँ पे अभी पानी लगाऊंगी। तो यहाँ पे अभी हमको ऐसे करके पानी अप्लाई कर देना है पूरे कुलचे में ऐसे करके अच्छे से। ये देखिए, ऐसे लगा दिया। अब इसको हमें सीकने के लिए डालना है। अब ये नीचे वाला साइड हम लोग सीकने के लिए डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने तवा गरम किया है, ये मेरा लोहे का तवा है। तो जिस साइड मैंने पानी लगाया था उसको मैं तवे के ऊपर डाल दूंगी और थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग इसको प्रेस कर लेंगे ताकि जो धनिया पत्ती है वो आपस में अच्छे से चिपक जाए। तो बस इसे अभी हम लोग हाई फ्लेम पे सिकने देंगे। तो ये सारा प्रोसेस हमको हाई फ्लेम पर ही करना है। तो बस ये थोड़ा सा फूल गया है ऊपर से, तो जैसे आपको लगे कि ऊपर से थोड़ा सा फूल रहा है तो उसके बाद हम लोग इसको उल्टा करके गैस के ऊपर रोटी को सेक लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से चारों तरफ हमें घुमाते रहना है और चेक करते रहना है कि कहाँ पर से कच्चा है या कहाँ पे ज़्यादा जल गया है। तो जलाना नहीं है, बस अच्छा सा कलर आ जाए इस पर और लगे कि ये चारों तरफ से सिक गया है तो उसी तरीके से हमको तवे को गैस के ऊपर घुमा घुमा के सेकना है। आप एक बार देखते रहिए और वापस उसको उस साइड से सेक लीजिए। बहुत आसान है कुलचा बनाना, बहुत आसान तरीके से बिना तंदूर के हम घर पे इतना अच्छा स्वादिष्ट कुलचा बना सकते हैं। तो ये देखिए, काफ़ी अच्छा कलर यहाँ पे आ गया है और ये पक चुका है। तो बस इसे मैं अब ऐसे निकाल लूँगी। तो पानी लगाने का मतलब यही होता है कि कहीं जब हम इसको सेकें गैस के ऊपर तो ये गैस के ऊपर ना गिरे, तो इसीलिए हम इसके नीचे पानी लगाते हैं। तो बस इसे मैं प्लेट में निकाल लेती हूँ। तो गर्मा गर्म ये आलू कुलचा मेरा तैयार हो गया है। बस अब इसी प्रोसेस से मैं सारे अपने आलू कुलचे बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सारे कुलचे इसी प्रकार से बना लिए हैं। तो ये लग रहे हैं ना बिल्कुल ढाबे जैसे कुलचे, तो क्या आपको लग रहा है ये घर पे बने हुए हैं या ये ढाबे से मैंने मंगाए हैं? तो ये आप भी इसी प्रकार से ये कुलचे बना सकते हैं। अब मैं यहाँ पे इसके ऊपर घी लगा दूंगी चारों तरफ। आप चाहे तो यहाँ पर बटर भी लगा सकते हैं, अगर आपको बटर का टेस्ट अच्छा लगता है तो बटर लगाइए या फिर आप घी लगाइए। तो बस ये सारे कुलचे मैंने बना के तैयार कर लिए हैं। तो मैं आपको एक कुलचा दिखाती हूँ कि ये कितना अच्छा आगे से और पीछे से सिका हुआ है और ये देखने से लग रहा है कि हमने ये कुलचा घर पे बनाया है। और जब आप इसे खाएंगे ना तो आप पहचान नहीं पाएंगे। देखिए कितना मुलायम कुलचा है, कितने आराम से ये टूट रहा है और इसके अंदर फिलिंग देखिए पूरी अंदर तक चारों तरफ ये फिलिंग गई हुई है। जब आप इसे खाएंगे ना ये बिल्कुल मुंह में घुल जाता है। तो अब आपको रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए।